पर ये अपनी जो राय देना चाहते हैं कि जिस तरह कौम ने तमाम मामला से सियासी मामला हल कर कौमी यकजहती का मुजाहरा किया, वो काबिल दाद है। ये खुशी गमी के मामला सबके साझे होते हैं और इस पर हम सब लोग आए हैं और नवाज शरीफ की फैमिली में उसके गम में बराबर शरीक हैं। इस पर कोई मैं समझता हूँ कि अगर किसी ने कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव तनकीद की है तो मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो भी कुलसूम नवाज ने भी जमहूरीत की में काफ़ी खिदमत के अदा किए हैं कि जमहूरी औरत थी, उसने अच्छा किरदार अदा किया है। सॉरी, इख्तलाफात अपने हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो उसका अपने जो रोल है वो उसने अदा किया है, चाहे वो मुशर्रफ के दौर में था या जिसके दौर में था, उसने तामीरी कदर रोल अदा किया है। तो हम उसकी जमहूरी रवायत है जो उसको खिदमत हैं उसको भी एतराफ़ करते हैं, खराज अकीदे पेश करते हैं। कुलसूम नवाज की यानी जो खिदमत हैं जमहूरी के लिहाज से वो भी काबिल एहतराम है, इस पर हमारा कोई काफ़ नहीं है। अगर कुछ लोगों ने तनकीद की है तो मैं वो मुनासिब नहीं है, जो जिस तरह के लोग कहते हैं कि उसको रहा नहीं करना चाहिए, नवाज शरीफ करनी चाहिए, उसका हक बनता था कानून आनी तौर भी और उसको राय में जो दी है वो कानून मुताबिक को नवाज इमरान खान ने जो तकाजे पूरे किए हैं वो काबिल एहतराम हैं, काबिल तारीफ़ हैं कि वो उसने एक अच्छा किरदार अदा किया है। मैं इस पर मैं समझता हूँ इससे वो कुछ कहना मुनासिब नहीं समझता, ये उसका जो रोल था इमरान खान ने ज़्यादा रोल अदा किया है कि राय के लिए वो एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है, इसमें कुछ काबिल तारीफ है। आप क्या समझते हैं कि उनके इमरान खान की दरख्वास्त पे उनको छोड़ा गया या उनका एक लीगल राइट्स था, इसलिए कि एज़ फार एज आई अंडरस्टैंड कि वो हर कैदी का लीगल राइट होता है नॉर्मली कि उनको जो है एक दो दिन के लिए रहा जाता है, बरतानिया में भी यही है। मैं समझते हैं कि आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि वो दरख्वास्त दें या ना दें, कि बेसिकली बाई द लॉ गवर्नमेंट पर जिम्मेदारी को उसके ने जो उनका पैरवे पर रहा किया उसको एक उसका कानूनी हक बनता है, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। और ये उनका मैं समझे गवर्नमेंट ने उसको रहा करके नवाज शरीफ फैमिली के साथ उसके गम में बराबर की शरीक हुई है, एक अच्छा किरदार किया। इस पर यह नहीं कहना चाहिए कि उसको तरख्वास्त देनी चाहिए थी, कि इस पर एक गवर्नमेंट को पता है कि एक आदमी की फैमिली है उसको फर्ज है कि फैमिली मेम्बर खो तो गया तो उसको अखलाकी तौर कानूनी तौर पर उसको रहा किया जाए। थैंक यू। Thank you.